दोस्तों स्वागत है आप सबका YouTube प्लेटफॉर्म जीके गुरुजी अड्डा पर। और लास्ट पार्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? हिंदी में इसको विस्मय आदि बोधक कहते हैं। शब्द से ही पता चल रहा होगा कि विस्मय की बात की जा रही है, सरप्राइज होने की बात की जा रही है, खुश होने की बात, निराश होने की बात, और साथ ही साथ दुख व्यक्त करने के लिए भी। और वो कब? जब हम सडन सरप्राइज होते हैं, सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट, जब एकाएक हृदय के उद्गार ऐसे निकलते हैं कि हमको पता नहीं होता कि हम बोलने क्या चल रहे हैं और क्या निकल गया मुंह से। जैसे हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच के मैदान में हैं हम, और हुआ क्या कि हमने मैच जीत लिया। अब क्या होगा कि जितने भी साथी हैं वो सब के सब इकट्ठा हो जाएंगे, शोर शराबा करेंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हम जॉयफुल कंडीशन में हैं, हम खुश हैं, हम इतना खुश हैं। हुर्रा, माय फादर हैज कम। जब हम अपने उद्गार खुशी के लिए व्यक्त करते हैं तो ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। कभी कभी हा वर्ड का भी यूज करते हैं इसके सेंस में, हुर्रा के सेंस में। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा होगा, हुज्जा, ये भी हुर्रा के सेंस में ही यूज करते हैं। जब हम खुश होते हैं और हृदय के उद्गार एकाएक निकलते हैं, तेजी से निकलते हैं, तो इस तरीके से हम जानते हैं कि इंटरजेक्शन क्या है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ और इमोशन ऑफ आवर हार्ट। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द हैं जो कि एक हमारे मुंह से निकलते हैं, जो हमारे इमोशन को बताते हैं, जो हमारी फीलिंग को बताते हैं। जैसे किसी के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो गई तो हम क्या करते हैं, उसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं। और ऐसे वर्ड्स का यूज करने के बाद मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगाए जाते हैं। जैसे अलॉस, वी हैव लॉस्ट आवर मैच। क्या हुआ? दुख है, दुखी है टीम। किस बात को लेकर? हमने अपना मैच खो दिया, हम अपना मैच हार चुके। अब क्या हुआ कि हम अपने दुख को कैसे व्यक्त करें? तो हम निराश हो जाते हैं। हालांकि आप क्रिकेट मैच देखते हैं, ग्राउंड पर हो रहा होता है, टीम्स खेलती हैं, दोनों ही टीमें खेलने का पूरी कोशिश करती हैं, जीतने की पूरी कोशिश करती हैं और अंत तक लगी रहती हैं। लेकिन जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और आप देखेंगे कि बहुत कम मौके ऐसे आएंगे जब टाई होगा। एक को जीतना है और एक को हारना है, ये खेल का नियम है और स्वीकार भी करना होता है इसको, भले ही मन दुखी हो, दुखी मन से ही स्वीकार करें। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। अलॉस, आई एम अंडन। क्या हो गया? दुख है कि मैं सफल नहीं हुआ, अनसक्सेस को शो कर रहा है। लेकिन क्या हुआ? ठीक है, आप बार बार असफल होने से सीखते हैं और फिर एक दिन निश्चित हो जाता है कि आपको सफलता मिलने ही वाली है। और भी वर्ड्स हैं, जैसे ब्रावो, ब्रावो क्या है? किसी को शाबाशी देनी है, किसी को कहना है बहुत अच्छा, किसी की पीठ थपथपानी है, तो हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। यू हैव डन वेल, बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छा किया तुमने। यू हैव डन वेल, अच्छा किया तुमने, और इसीलिए ब्रावो आपको कहा गया, शाबाशी दी गई, आपको बहादुर बताया गया, अच्छा कहा गया आपको।
तो ये होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते हैं, ये सडन फीलिंग है, एकाएक उद्गार निकलता है मन से और वो लोगों तक पहुंचता है, और सुनने के बाद वो हर्ष की स्थिति में है, विषाद की स्थिति में है, दुख की स्थिति में है, विस्मय की स्थिति में है। कैसी स्थिति है ये हमारे वर्ड्स शो करेंगे कि हम किस स्थिति में हैं और वो उद्गार किस तरीके से निकले हैं हमारे मन से। ऐसे कुछ वर्ड्स और आपको बताते हैं, जैसे हा है, हेलो है। अभी मैंने एक वर्ड आपको बताया था हुजर, और इस तरीके से हार्क है, हस है, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन को शो करते हैं। हेल है, वेलकम है, वर्ड्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि कोई सेंटेंस इंटरजेक्शन में है और किस सेंस में इसको यूज किया गया है। मुझे लगता है कि इंटरजेक्शन टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। पूरी एक सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने पिछले 5-6 दिनों में आपको दी है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर वीडियोस बने, और उनकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश चैनल के द्वारा की गई है। आप इन वीडियोस को एक एक करके देखें, अपना सुझाव दें, हम आपके सुझावों की प्रतीक्षा में, इंतज़ार में हैं। धन्यवाद।